संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। स्पीकर के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। इस सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल विशेष सत्र को लेकर कई सारे अटकलें लगाई जा रही थी और बाजार भी गर्म है। हालांकि सरकार ने बताया कि इस सत्र में 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। यह सत्र आज यानी 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। संसद का 5 दिवसीय स्पेशल सेशन आज से शुरू हो चुका है। सदन की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को G20 के सफल आयोजन के लिए बधाई। इसके बाद पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए संसद के इतिहास का जिक्र किया और तमाम पुराने दिग्गज नेताओं को याद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में परिश्रम, पसीना और पैसा मेरे देशवासियों का लगा था। उन्होंने कहा कि देश के 75 साल की यात्रा का पुनर्स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को इतिहास की महत्वपूर्ण पलों के साथ स्मरण करके आगे बढ़ना है। सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार की सुबह सभी सांसदों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाया गया है। इस सत्र को लेकर कयास लगाई जा रही है कि सरकार कुछ सरप्राइज भी दे सकती है। विपक्ष ने मांग की है कि 5 दिवसीय सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर पारित किया जाए। नए संसद भवन में सरकार के विधायी कार्यों की शुरुआत 20 सितंबर से होगी।